आज हम आपको प्रैक्टिकल सेशन रिकर्सिव फंक्शन बताने वाले हैं, जिसमें फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज पढ़ाएंगे। फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं और उसका इलस्ट्रेशन भी फैक्टोरियल का दिया था। बहुत से लोगों ने कहा मैम जैसे फैक्टोरियल का आपने इलस्ट्रेशन दिया वैसे ही फिबोनाची का भी बताइए। तो अभी आप प्रैक्टिकल समझ लीजिए, हम फिर इलस्ट्रेशन आपको अलग से वीडियो बना देंगे। पहले हम रिकर्सिव फैक्टोरियल को पढ़ेंगे, कैसे रिकर्सिव फंक्शन से फैक्टोरियल निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले हेडर फाइल दोनों ही जैसा कि हमेशा हम लोग लेते हैं, फिर फैक्टोरियल का फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया। प्रोटोटाइप जो होता है वो मेन के पहले डिफाइन होता है, जिसमें हम रिटर्न टाइप इंट दे दिया हमने। फिर फैक्टोरियल के लिए फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया है, जिसमें पैरामीटर एक है जिसका जो इंट टाइप का है। अब हमने फंक्शन भी मेन के पहले बना दिया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। इंट रेस, रेस इज फॉर रिजल्ट ऑफ द फैक्टोरियल। इफ एन इक्वल्स टू जीरो, अगर नंबर जीरो है तो रिटर्न वन हो जाए, और अगर नंबर जीरो नहीं है तो रिजल्ट में फैक्टोरियल में जो नंबर आया है इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन करेंगे। तो सपोज अगर 3 आया तो 3 इंटू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 2 कॉल हो जाएगा। फिर नीचे आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल फिर से कॉल होगा। अब 1 इंटू एन माइनस 1 0 हो जाएगा, जैसे ही 0 होगा n की वैल्यू वैसे ही रिजल्ट 1 रिटर्न होगा, और नहीं तो रिटर्न रेस होगा। अब ये कैसे हुआ है, हमने इलस्ट्रेशन पूरा आपको समझाया है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम फिर से उसको आज बता देंगे। और यहाँ पर मेन से हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। मेन में हम इंट टाइप का मेन ले रहे हैं और उसका रिटर्न टाइप वॉइड रखा है। वॉइड मीन्स किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न हो सकती है। इंट हमने एन को डिफाइन किया, जिस नंबर को हमें इनपुट कराना है। इंट रेस किया जिसमें रिजल्ट आएगा, सी एल आर एस सी आर किया जो स्क्रीन को क्लियर करेगा। प्रिंट एफ किया, एंटर नंबर करेंगे, प्रॉम्प्ट दिया हमने नंबर के लिए। फिर स्कैन एफ किया, स्कैन एफ करने पर एम्परसेंट एन लगाया नंबर के आगे और उसको स्कैन किया। परसेंट डी लगाए, इंटीजर टाइप वैल्यू दिया। अब फैक्टोरियल को हम कॉल कर रहे हैं, रेस इक्वल्स टू फैक्ट इनटू एन। जैसे ही हमने नंबर डालेंगे वो ऊपर फंक्शन प्रोटोटाइप में जाएगा, और जैसे अभी हमने बताया आपको वैसे वो प्रोसेस करेगा और वापस रिजल्ट रेस्ट में देगा। अब हम उसको नंबर और रिजल्ट फैक्टोरियल को प्रिंट करेंगे। तो द फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी परसेंट बैक स्लैश एन करेंगे, एन कॉमा रेस्ट करेंगे। एन में नंबर हमारा आएगा जो हम इनपुट करेंगे, और रेस्ट में हमारा रिजल्ट आएगा जो कैलकुलेट होके फैक्टोरियल से आया है। गेट सी एच करेंगे तो स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। रिटर्न जीरो करेंगे तो मेन हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। हमने आपको एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर समझा दिया है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो रन करिए, यहाँ पे एंटर नंबर किया, द फैक्टोरियल ऑफ एफ इज 120। तो वो 5 का फैक्टोरियल प्रिंट कर देगा। 5 इंटू 4 कितना होगा, 20 होगा। 20 इंटू 3 कितना होगा, 60 होगा। 60 इंटू 2 कितना होगा, 120 होगा। और 120 इंटू 1 120 होगा। तो 5 का फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज को वो कैसे काम करता है। तो उसको ओपन करेंगे, अब ये प्रोग्राम बना हुआ है। हमने पहले से इसलिए बनाया कि ज्यादा टाइम ना लगे। इसमें फिबो नाम का एक फंक्शन हम प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे और इसमें डिफाइन करेंगे कि n इक्वल्स टू जीरो तो रिटर्न जीरो कर दे, n इक्वल्स टू वन n इक्वल्स टू टू हो तो रिटर्न वन कर दे, अदरवाइज रिटर्न करे फिबो एन माइनस वन इंटू फिबो एन माइनस टू। तो ये बार बार ये फंक्शन को देखिए, एन माइनस वन केस में भी कॉल करेगा और एन माइनस टू केस में भी कॉल करेगा।
तो अब आपको पता होना चाहिए कि फिबोन रॉ की सीरीज होती क्या है, ये बिजनेस के लिए यूज होती है जैसा कि हमने थ्योरी में बताया था। और इसका सीरीज इस तरह से जनरेट होती है, पहले 0 1 0 आएगा, फिर 0 1 आएगा, 0 1 जुड़ के 1 आएगा, फिर 1 1 जुड़ के 2 होगा, फिर 1 2 जुड़ के 3 होगा, फिर 2 3 जुड़ के 5 होगा, इस तरह से सीरीज आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए मेन फंक्शन डिफाइन किया जिसमें इंट नाम का एक एन वेरिएबल डिफाइन किया, सी एल आर एस सी आर किया, क्लियर किया स्क्रीन को, प्रिंट किया, कैलकुलेटेड फिबोनाची सीरीज यहाँ पर कैलकुलेट फिबोनाची सीरीज करेंगे। कैलकुलेट फिबोनाची सीरीज हम लोग ने सीरीज दिया है ये, अब जो प्रिंट होगा वो कैलकुलेटेड होगा और उसको प्रिंट करेंगे हम। तो यहाँ पर वापस जब होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ऑल्टर ही करके सी करिएगा तो कॉपी हो जाएगा, नीचे आने पे आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, इसको यहाँ पे ऑल्टर ही करके पी कर दीजिएगा तो ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेटेड फिबोनाची सीरीज आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक लूप लिया जिसमें हम नंबर को जनरेट कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक के नंबर का फिबोनाची सीरीज लेना है, तो हमने 0 से 10 किया क्योंकि पहली वैल्यू जो होती है फिबोनाची सीरीज की वो 0 होती है। तो पहली बार हमने कहा जैसे ही 0 जाए वो क्या रिटर्न कर दे, 0 कर दे, तो फर्स्ट टाइम वो 0 प्रिंट कर देगा, फिर 1 जाएगा तो 1 जा करके यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस फिबोनाची 1 माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन हमने पहले ही कह दिया है कि अगर 1 या 2 हो तो रिटर्न 1 हो जाए, तो दैट मींस 1 2 पे भी वो नहीं जाएगा, और आपको जाना है तो n इक्वल्स टू 2 हटा सकते हैं, 3 अगर जाएगा तो 3 जाने पे क्या हुआ, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 पे वैल्यू 1 आएगी और 3 माइनस 2 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 1 2 आ जाएगा, तो हमारी नेक्स्ट सीरीज 2 ही तो है। फिर उसके बाद 4 जब जाएगा तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 जब करेंगे 3 आएगा, 3 पे हमारी वैल्यू 2 आई थी, तो 2 प्लस फिबोनाची 4 माइनस 2 पे 2 आएगा, 2 पे 1 आया था तो 1 और 2 जुड़ के 3 हो जाएगा, फिर 2 और 3 जुड़ के 5 हो जाएगा, फिर 3 और 5 जुड़ के 8 हो जाएगा, तो इस तरह से फिबोनाची सीरीज जनरेट हो जाएगी इस फंक्शन से और हमारा प्रोग्राम में फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं ऑल्टर आर करके रन करके, ये देखिए आपकी सीरीज जो जनरेट होनी थी वो पहले कैलकुलेट हमने दिया कि ये सीरीज बनानी है आपको, और जब हमने दिया कैलकुलेटेड फंक्शन फिबोनाची फंक्शन यूज़ किया तो वही सीरीज जनरेट हो गई। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप लोग इलस्ट्रेशन फिर भी चाहते हैं तो हम शाम तक उसको बनाकर आपको एक वीडियो बना देंगे फिबोनाची और फैक्टोरियल के इलस्ट्रेशन के, क्योंकि सी के अंदर हम इलस्ट्रेशन नहीं बना सकते, उसके लिए हमको वर्ड या पावर पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब किया कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, उसको देखा कीजिए और शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड में जो इंटरेस्टेड हो सी लैंग्वेज पढ़ने में, और मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक को फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम चैनल टेक रतन को ज्वाइन कीजिए, कम्युनिटी पे जाके वीडियोस में कमेंट करिए और क्वेश्चन अपने पूछिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया, जिससे हम आगे भी उन टॉपिक्स पे वीडियो बना सकें। दिस इज़ ऑल टू व्यूअर्स, थैंक यू।